सेट तो ये फिल्म का है लेकिन हंगामा असली है। दरअसल गणेश आचार्य की फिल्म में एक गाने की शूटिंग चल रही थी लेकिन एमएनएस को शक था कि इसमें हिस्सा लेने वाला डांसिंग क्रू के पास बाकी कागजात नहीं है, लिहाजा शूटिंग रुकवा दी गई और मामले की जांच शुरू हो गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एमएनएस ने रितेश साधवानी की एक फिल्म की शूटिंग में रुकवाई थी जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर हफ्ता वसूली का आरोप लगा था। दिलचस्प बात तो यह है कि उस शूटिंग में भी यही डांसिंग क्रू था जिसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन इस बार एमएनएस पुलिस साथ लेकर गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, 10 डांसर और एमएनएस के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है। हालांकि फिल्म यूनिट का दावा है कि उनके पास शूटिंग के लिए सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। अभिषेक चौधरी, मुंबई आज तक। हैदराबाद में टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा के घर में चहल पहल शुरू है क्योंकि भारत की टेनिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक को अपना जीवन साथी चुना है और दोनों 15 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। परिवार को पता है कि सरहद पार के इस प्यार में अड़चने भी तमाम आ सकती हैं, लेकिन सानिया के पूरे परिवार को समय रहते ही पाकिस्तान जाने का वीजा मिल गया है। वीजा मिल गई हम लोगों को, बस खुशी की बात है बहुत। तो वीजा लिए तो जाएंगे ही ना पाकिस्तान को, बिल्कुल। इधर सानिया के परिवार वालों ने पाकिस्तान का वीजा लेकर पूरी तैयारी कर ली है तो उधर शोएब मलिक ने पाकिस्तान से भारत आने का वीजा मांगा है। फिलहाल दोनों का इरादा है शादी के बाद दुबई में बस जाने का, जहां शोएब का अपना घर भी है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। तीसरे शाही स्नान के मौके पर कुंभ नगरी हरिद्वार में उमड़ पड़ा है भक्तों और संतों का सैलाब। शाही स्नान के लिए घाटों पर जबरदस्त रौनक नजर आई जिसकी तैयारियां पहले ही शुरू करा दी गई थी। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने इस स्नान में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि इस बार बैरागी अखाड़े के साधुओं ने भी स्नान में हिस्सा लिया। हरिद्वार का कुंभ, हर की पैड़ी और चैत्र पूर्णिमा का महास्नान, महापर्व पर शाही स्नान के लिए वैष्णव बैरागी अखाड़े इसी तरह हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं और ब्रह्मकुंड में उनका शाही स्नान होता है। मंगलवार के दिन कुंभ में स्नान को बेहद पवित्र मौका माना गया है। दरअसल 572 साल बाद फिर से ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान आया। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार 4 शाही स्नान हो रहे हैं। आखिरी शाही स्नान 14 अप्रैल को है। संजय आर के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार आज तक।